एनसीपी और आरपीआई के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है उल्लासनगर से, जहां व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया और दोनों तरफ के कार्यकर्ता घायल अवस्था में अस्पताल पहुंच गए। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक कमलेश निकम और आकाश चोनावने के बीच में सोशल मीडिया में किसी बात को लेकर बहस हुई और आधी रात में आकाश चोनावने अपने कुछ साथियों के साथ कालानी आवास पहुंच गए और बाहर खड़े कमलेश निकम पर हमला कर दिया। हमले में दोनों तरफ के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। हालांकि दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं उल्लासनगर पुलिस ने दोनों तरफ से शिकायत दर्ज की है और आगे मामले की जांच कर रही है। उल्लासनगर में इंडियन राजनीति ये व्हाट्सएप ग्रुप पे कमलेश मधुकर निकम और आकाश दिलीप सोनवणे इनकी एक दूसरे पे टीका टिप्पणी हुई, उसके बारे में पूछने के लिए या चर्चा करने के लिए आकाश सोनवणे कलानी महल यहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे उसकी और कमलेश निकम इनकी हाथापाई हुई। वहाँ पे सोनवणे ने कमलेश निकम को मारापीटी की, तब बाकी और कार्यकर्ता वहाँ पे जमा हो गए और दोनों गुट में वहाँ पे झगड़ा हुआ है। दोनों गुट के खिलाफ क्रॉस राइट का गुना दाखिल किया गया है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री फुलपगारे कर रहे हैं। रात में 10 बजे के दरमियान ये मालूमत मिलते ही तुरंत हमारा पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँच गया और जो आगे चलकर इसमें अलग माहौल खड़ा होने वाला था, वह वहाँ पे तुरंत पुलिस फोर्स पहुँच के बाकी आगे कुछ होने नहीं दिया। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो, क्या अफेंस लगाए? इसमें रॉयट और 324 326 ये ऐसे गुने दाखिल है। तीन लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी आरोपी अरेस्ट करना चालू है, उसके लिए टीमें भेजी गई है।